आज संडे है। पूरे शहर में कोरोना वायरस फैल रहा था। और सरकार ने पूरी नगर में फ्राइडे से कर्फ्यू लगाया था। शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक सब दुकानें वगैरह सब बंद रखनी चाहिए थी, सिवाय मेडिकल स्टोर्स और हॉस्पिटल के। गुल्लू का पैर आज टूटा था, इसलिए वो राजू को फोन करके बुला देता है और राजू वहां पर आ जाता है और डोरबेल बजाते ही गुल्लू बाहर आ जाता है। तभी राजू 3 कदम पीछे हटता है और बोलता है, तुम जैसे लापरवाह लोगों की वजह से कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा है गुल्लू। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं राजू ने ऐसा क्यों बोला? तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। अरे राजू तूने ऐसा क्यों बोला? ले मैं तुझे लापरवाह लगता हूँ? लापरवाह तो और क्या है, वो मास्क क्यों नहीं पहना तुमने? जल्दी मास्क पहन के आओ। तो पूरा वर्ल्ड मास्क पहन रहा है और तुम एक मास्क नहीं पहन सकते? अरे राजू तुमने डोरबेल बजाई इसलिए मैं जल्दी जल्दी बाहर आया, कौन है दिखने? और इसमें कौन सी बोली बातें बोल गया ना मैं मास्क पहनने? इसमें कौन सी बड़ी बात है, भारत के समय भी मास्क पहनना चाहिए ना। इतना फैल रहा है कोरोना वायरस, ऐसे लापरवाही मत करो गुलू, चलो जल्दी जाओ मास्क पहन के आओ। ठीक है लाजू पहन के आता हूँ, लेकिन लाजू एक बार कोरोना वायरस मेरे हाथ में आ जाए ना तो जैसे कपड़े धोते हैं ना वैसे धो डालूंगा, ज्यादा ही कलता है वायरस। अरे वो वायरस है तो तेरे हाथ में थोड़ी आएगा पागल कहीं का, चल जा मास्क पहन के, वरना तुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा। नहीं लाजू ऐसा मत कर लो, लुको पहन के आता हूँ। गुल्लू अंदर जाता है और मास्क पहनकर बाहर आ जाता है। अरे वाह गुल्लू बहुत अच्छा मास्क है तेरा। हाँ शायद किसी ने रस्ते पे फेंका होगा, मैंने वो पकला वाला पहना। क्या तू रस्ते पे पड़ा हुआ मास्क पहनता है? अरे नहीं राजू मैं तो मजाक कर रहा था, चलो चलते हैं। तो दोस्तों आप भी मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलिए। राजा और गुल्लू डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अरे गुल्लू चलो यहाँ जाके कोई फायदा नहीं, चलो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं राजू ने ऐसा क्यों बोला? तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। अरे राजू तूने ऐसा क्यों बोला? ले अरे तू इधर पढ़ नहीं सकता, संडे क्लोज लिखा है और आज संडे है ना, चलो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अरे हाँ ये तो मैंने दिखा ही नहीं, मैं तेरे पीछे था ना। पीछे था तो क्या हुआ, दिखाई नहीं देता है? चलो मैं एक हॉस्पिटल में एक जीनियस डॉक्टर को जानता हूँ, चलो। अरे मैं आम के पेड़ पे से गिरा, थोड़ा सा दर्द हो रहा है लेकिन मैं चल सकता हूँ, हॉस्पिटल में जाने की क्या जरूरत है? अरे फिर भी दर्द हो रहा है ना, चलो बोला ना, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो तेरा पाँव जल्दी ठीक कर देगा। राजू और गुल्लू दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। राजू और गुल्लू दोनों डॉक्टर जिनेश के पास पहुंच जाते हैं। अरे लजू या तो को दे, चलो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते, एक ही डॉक्टर थोड़ी ना है। अरे लेकिन ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, ये तेरा पाँव जल्दी ठीक कर देगा। अरे लेकिन ये लाजू ये वॉशर है या डायलॉग है? वॉशर या डायलॉग मतलब क्या? अरे ये मुँह पे चलता है या टाइप करना पड़ता है? जैसे मान लो अगर इसका आंसर तू है तो तू मुँह से बोलना पड़ता है या टाइप करना पड़ता है तू? अरे ये वॉशर है लेकिन इसे वॉशर नहीं बोलते हैं, वॉइस पे चलता है, ऐसा कुछ बोल। और डायलॉग मतलब क्या? डायलर है वो पागल कहीं का, कुछ कुछ बोलता है, इंग्लिश कुछ भी नहीं आती रही तुझे, पागल कहीं का। चलो मुझे इसका कोड सोचने दे। हाँ मुझे पता चल गया इसका कोड क्या होगा। दोस्तों क्या बता सकते हैं इसका कोड क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। इसका जवाब होगा 12 o'clock।
अरे लज्जू, इसका जवाब तो अलग अलग कैसे आता है ले? हाँ समझाता हूँ। देखो, अगर छोटा काटा 7 पे हो और बड़ा काटा 2 पे हो तो 7:10 होता है, 7:10। ऐसे ही अगर छोटा काटा 3 पे हो और बड़ा काटा 1 पे हो तो होता है 3:05, 3:05। ऐसे ही अगर दोनों काटे 12 पे हो तो 12 o'clock होता है, 12। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे तो क्या सोच रहे हैं, चल अंदर। दोनों अंदर चले जाते हैं। पुलिस को खबर मिलती है कि रात के 10 बजे कालाबाजारियों की मीटिंग हुई थी और कुछ डॉक्टर भी हॉस्पिटल से भी मिले हुए हैं। इंस्पेक्टर चपड़ भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं पूछताछ करने। इंस्पेक्टर चपड़ बाहर आ जाते हैं और उसे तीन लोग पे शक होता है, इसलिए वो तीनों को बाहर बुलाते हैं। तभी राजू और गोलू वहां से जा रहे थे, तभी राजू रुक जाता है, इसलिए गोलू भी रुक जाता है। अरे बच्चों चलो जाओ, कोरोना ज्यादा फैल रहा है और कर्फ्यू भी लगा है, चलो जाओ अपने घर जाओ। छोड़, थोड़ी देर रुकने दो ना। ठीक है, फिर जल्दी जाना। तो बताओ कल रात के 10 बजे तुम लोग क्या कर रहे थे? सर मैं तो हॉस्पिटल में था। सर मैं तो होटल में 10 बजे खाना खाने गया था। सर मैं भी हॉस्पिटल में था। पर मुझे समझ भी नहीं आ रहा इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। सर मुझे पता चल गया है इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। अरे तुम तो बच्चे हो, तुम कैसे बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहे हैं? शोलब दलगो ही ना, गल्ला जिन्हें बताया तो आपका इज्जत का फालूदा हो जाएगा इसलिए। अरे नहीं नहीं तो पुलिस की मदद हुई ना, तो बताओ बेटे तुम्हें कौन झूठ बोल रहा है ऐसा लग रहा है? सर मुझे दूसरा वाला झूठ बोल रहा है ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि कल रात 10 बजे खाना खाने कैसे जा सकता है? सरकार ने कर्फ्यू लगाया था ना फ्राइडे से शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुम तो एकदम डिटेक्टिव की तरह सोचती हो। चलो बताओ, मेरा नाम इंस्पेक्टर चप्पड़, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे थप्पड़। बताओ कल रात के 10 बजे कहाँ गए थे तुम? साहब बताता हूँ, मैं कल रात 10 बजे खाना खाने नहीं गया था सर, मैं तो पार्टी कर रहा था और आप मुझे पकड़े नहीं इसलिए मैंने झूठ बोला, सॉरी सर। यहाँ कोरोना ज्यादा फैल रहा है और तुम लोग पार्टी करते हो कोरोना के समय पर पार्टी? तीनों बार आ जाते हैं। सर आप क्यों आए थे? मुझे खबर मिली थी कि रात के 10 बजे कुछ कालाबाजारियों की मीटिंग हुई थी और भी हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स में शामिल है, इसलिए मैं पूछताछ करने आया था। सर तो आपको भी फार्मेसी में भी पूछताछ करनी होगी ना। पर उसे क्या पता होगा? तो दोस्तों क्या बता सकते हैं राजू को ऐसा क्यों लगा कि भी फार्मेसी में भी पूछताछ करनी चाहिए? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। सर क्योंकि वी हॉस्पिटल के साइड में ही है वो वी फार्मेसी और दोनों के नाम भी सेम है सर। देखो वी हॉस्पिटल और वी फार्मेसी, वो भी शायद मिला होगा या उसे कुछ पता होगा सर, इसलिए सर मैं पूछताछ करने जाऊं। ठीक है, पर उसे बताना मत कि मैं बाहर खड़ा हूँ। नहीं सर मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, मैं उससे सिर्फ पूछताछ ही करूंगा सर। सर आपको काला बाजार करने वालों के बारे में कुछ पता है? नहीं बेटा मुझे क्या पता होगा। सर क्योंकि मुझे 1000 वैक्सीन और दवाइयाँ चाहिए और काला बाजार करते ना उससे चाहिए, फिर से नहीं। तो मुझे पता नहीं इसके बारे में। सर ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो मैं जाता हूँ, लेकिन सर मेरे अंकल ने बोला था कि अगर किसी ने मेरी मदद की ना तो उसे भी पैसे देने को तैयार है और वो माल डबल रेट में खरीदने को तैयार है, मैं जाता हूँ सर। नहीं नहीं साइड में आओ। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं
फार्मेसी वाले ने राजू को साइड में क्यों बुलाया? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। फार्मेसी वाले ने राजू को साइड में इसलिए बुलाया था क्योंकि वो चाहता था कि कोई इसकी बात सुन ना सके और इसे कालाबाजारियों के बारे में कुछ पता होगा। बेटा तुम्हें इसके लिए भी गोदाम तक जाना होगा, वहाँ तुम्हें एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हें दे सकता है। हाँ ठीक है, जाता हूँ। पर मेरे पैसे कितने चाहिए? 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख? 1 लाख। मैं मेरे अंकल से बोलकर तुम्हें 5 लाख दिलवाऊंगा। थैंक यू, जल्दी जाओ। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हें कोविड वैक एक कोड वर्ड बोलना होगा, नहीं तो वो नहीं देगा तुम्हें वैक्सीन और दवाई। ठीक है, चलो जाओ जल्दी। राजू इंस्पेक्टर चुप्पड़ को सब कुछ बता देता है। मैं अभी हवालदार को बोलकर उसे गिरफ्तार करवाता हूँ। जी सर, उसे अभी गिरफ्तार मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने उसे गिरफ्तार कर दिया तो वो कालाबाजारियों को कुछ नहीं बताएगा। अगर सर देखो, अगर आपने उसे गिरफ्तार नहीं किया तो अब सब कुछ बता देगा कि एक बच्चा आया था और उसे वैक्सीन चाहिए, सब कुछ बता देगा ना सर। अरे हाँ, तुम तो एकदम डिटेक्टिव की तरह सोचते हो, तुम्हें तो डिटेक्टिव होना चाहिए। चलो चलते हैं, पर मेरी गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं है, देखते आगे पेट्रोल पंप मिलता है तो। बस तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। इंस्पेक्टर चप्पड़ गाड़ी स्टार्ट करता है पर गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। राजू बाहर आता है और देखता है और तुरंत समझ जाता है कि गाड़ी क्यों आगे नहीं जा रही थी। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंस्पेक्टर चप्पड़ के गाड़ी के पीछे वाले टायर के आगे एक पत्थर है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जा रही है। राजू वो पत्थर निकाल देता है और अंदर बैठ जाता है। इंस्पेक्टर चप्पड़ मैप पे देखते हैं पर उसे समझ में नहीं आता कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। वो बाद में राजू से पूछते हैं, राजू उसे एक रास्ता बताते हैं। तो सोचिए दोस्तों कौन सा रास्ता चुनेगा राजू। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि राजू ए वाला रास्ता चुनेगा तो आप गलत है, ये तो शॉर्टकट तो है पर इंस्पेक्टर चप्पड़ के गाड़ी में उतना पेट्रोल नहीं है और उसे पेट्रोल पंप की जरूरत है, यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों राजू ए वाला रास्ता चुनता है ताकि उन्हें पेट्रोल पंप भी मिल जाए और वो अपनी गाड़ी लेकर चले जाते। इंस्पेक्टर चप्पड़ राजू को अकेला ही डॉन के पास भेजता है। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं इंस्पेक्टर चप्पड़ ने राजू को अकेला ही क्यों डॉन के पास भेजा? इंस्पेक्टर चप्पड़ ने राजू को अकेला ही डॉन के पास भेजा क्योंकि वह जानता था अगर वो भी साथ चलेगा तो कालाबाजारी करने वाला जरूर भागने की कोशिश करेगा, इसलिए वो राजू को अकेला ही डॉन के पास भेजता है। सर मुझे 1,000 वैक्सीन और दवाइयाँ चाहिए। तो मुझे क्या बोल रहे हो बेटा? सर लेकिन फार्मेसी वाले ने तो आपके पास ही भेजा था। कौन फार्मेसी वाला? किसके बात कर रहे हो तुम बेटे? तो दोस्तों क्या बता सकते हैं राजू को ऐसा क्या करना चाहिए जिसे डॉन मान जाए 1,000 वैक्सीन और दवाई देने में? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों राजू को तो कोड वर्ड बोलना है कोविड वैक्सीन से वो मान जाए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। सर अभी आपको समझ आएगा कोविड वैक। ओ तो तुम ही हो बच्चे, मुझे फार्मेसी वाले ने सब कुछ बताया था लेकिन फिलहाल हमारे पास उतना स्टॉक नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, जब आए तब दे देना, लेकिन मेरे आदमी अभी आके तुम्हें कैश एडवांस देंगे आधी। ओके ओके। तभी इंस्पेक्टर चप्पड़ अपनी गाड़ी लेकर आ जाती है और गोलू भी बाहर आ जाता है। ओ तो तुम्हें कैश चाहिए? अभी दे देता हूँ। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? और तुम करते हो क्या है?
मैंने किसके साथ धोखा किया है? बहुत सारे लोगों को वैक्सीन और दवाइयां नहीं मिलती है और तुम काला बाजारी करते हो, लोगों को लूटते हो। सर इसे गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। सर इससे पहले हमें गोडाउन भी चेक करना होगा ना? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं किसी डिटेक्टिव को बुलाकर कोशिश करता हूँ खोलने की। सर मैं ही करता हूँ कोशिश। हाँ तुम्हें खोलना आता है? हाँ सर मुझे पता चल गया है। तो दोस्तों राजू को तो पता चल गया, क्या बता सकते हैं कैसे खोलेगा राजू गोडाउन का दरवाजा? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों राजू को मास्टर ऑफ रेडियो चैनल सब्सक्राइब करना है। राजू सब्सक्राइब कर देता है। सर मैंने मास्टर ऑफ रेडियो चैनल सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन सर ये दरवाजा फिर भी नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं अब राजू को क्या करना है जिससे दरवाजा खुल जाए? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राजू ने सब्सक्राइब कर दिया है पर बेल आइकॉन नहीं दबाया है, इसका मतलब उसे बेल आइकॉन दबा देना चाहिए। राजू बेल आइकॉन दबा देता है और दरवाजा खुल जाता है। दोस्तों आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। वाह राजू वाह, तुमने तो दरवाजा खोल दिया। चलो गोलू तुम ही जाओ अंदर और चेक कर के आओ। मुझे दुल्लो बुलाए, तुम भी सो जाओ के आता हूँ। गोलू अंदर जाके चेक करता है। गोलू चेक करके बाहर आ जाता है और कहता है कि शोल अंदर तो कुछ नहीं है। तुमने ठीक से तो चेक किया ना? शोल आपको अगर मुझ पर यकीन नहीं होता तो आप खुद जाके देखे ना, मुझे क्यों भेजा था? मैंने मुझे पता था कि इसमें कुछ नहीं होगा। सब लोग पुलिस स्टेशन जाने वाले होते हैं तभी वहां पर एक ट्रक आ जाता है और ट्रक का ड्राइवर बाहर आ जाता है। सर हमें ट्रक भी चेक करना होगा ना? पर उसमें क्या हो सकते हैं, उसमें तो सिर्फ दवाइयां होंगी। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं राजू को ऐसा क्यों लगा कि ट्रक भी चेक करना है? तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। सर क्योंकि शायद इसमें काला बाजारियों ने वैक्सीन और दवाइयां का स्टॉक लाया होगा और गोडाउन भी खाली है ना सर, मतलब स्टॉक आ भी सकता है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ड्राइवर गाड़ी आगे लेके जाओ। जी साहब। ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठा है और गाड़ी आगे लेके जाता है। राजू तो ट्रक के अंदर चढ़ जाता है। सर मुझे कुछ अजीब लग रहा है यहाँ। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं कि राजू क्या अजीब लगा? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। सर यह तो बुरियां अजीब है सर, क्योंकि दवाइयां तो बॉक्सेस में आती है ना, और कौन सी दवाई बुरी में आती है? सर शायद इसमें वैक्सीन और दवाई का स्टॉक होगा, आप इसे चेक कर लीजिए सर। इंस्पेक्टर चप्पल ट्रक के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं। बोरियों को चेक करने के बाद वो बोलते हैं, अरे यहाँ तो वैक्सीन और दवाई है बोरियों में। इंस्पेक्टर चप्पल तीनों को गिरफ्तार करते हैं। बताओ और कौन मिला हुआ है तुम्हारे साथ? और एक डॉक्टर भी मिला हुआ है। कौन डॉक्टर? फार्मेसी वाले? क्या तुम इसे पहचानते हो? हाँ साहब मैं उसे पहचानता हूँ, तो चलो मेरे साथ। फार्मेसी वाले क्या यही डॉक्टर है वो? नहीं साहब, उसका नाम तो डॉक्टर लड्डू है। डॉक्टर लड्डू तो 101 रूम में है। चलो चलते हैं। 101 में तो पहुंच गए।
सर यहाँ तो कोड है। सर मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ सर मुझे पता चल गया इसका कोड क्या है। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं इसका कोड क्या है? तो जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है। इसका जवाब है 40। पर 40 कैसे है बेटे? सर समझाता हूँ। सर देखो 2 माइनस 1 होता है 1, बाद में साइड में 0 ऐड किया तो होता है 10। ऐसे सेकंड वाले में 6 माइनस 2 है 4, बाद में साइड में 0 डाला तो होता है 40, और लास्ट में 8 माइनस 4 है 4, 0 ऐड किया तो हो जाएगा 40। वाह बेटे वाह, तुम तो एकदम होशियार हो। तभी वहां पर गोलू आ जाता है। अरे गोलू तुम कहाँ थे? अरे मैं हॉस्पिटल के बाल आइसक्रीम खा रहा था, पर तुम मुझे छोड़ के आ गए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ आ गया। और तभी सब लोग अंदर चले जाते हैं। अरे यहाँ तो 3 डॉक्टर है। सर शायद उसने अपने 3 डुप्लीकेट बना दिए होंगे। अरे सुन क्या होता है, तीनों को भी अस्पताल के दीजिए ना, तीनों तो एक ही है ना। अरे ऐसा नहीं कर सकता मैं, तीनों को कहाँ रखूंगा? चल जेल में लगो ना। अरे क्या बकवास कर रहे हो बोले, चुप मुझे सोचने दे। हाँ सर मुझे पता चल गया है कौन असली डॉक्टर है। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं इनमें से कौन असली डॉक्टर है? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। तुम्हें कौन सा डॉक्टर असली लग रहा है बेटे? सर मुझे तीसरा वाला असली लग रहा है। अरे तीसरा वाला कैसे ले? पहला वाला भी हो सकता है, दूसरा वाला भी हो सकता है ना। अरे नहीं, तीसरे वाले के सर पे बाल तो देखो जिगजैग जैसे है, और उन दोनों के सर पे तो ऐसे कुछ छेप ही नहीं है। और जब हम हॉस्पिटल गए थे तो उसके सर पे भी जिगजैग जैसे बाल थे, मतलब वही है। अरे वाह बेटे, तुम तो एकदम डिटेक्टिव की तरह नोटिस करते हो। इंस्पेक्टर चप्पर चारों को जेल में डाल देते। रात के 10 बजे थे, तीनों गुनहगार सो जाते हैं, पर डॉन सो नहीं पाता, उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो जागा रहता है। तभी वहां पर हवलदार पीडी आ जाता है। अरे देखो मुझे बड़े साहब ने तुम्हें देखने के लिए यहाँ भेजा है। वो बड़े साहब यहाँ नहीं है, वो केस सॉल्व करने गए हैं, ठीक है? और देखो मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं चाबी यहीं रख रहा हूँ, चुराने की कोशिश मत करना, मैं जाता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। और डॉन के माइंड में कुछ चल रहा था। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं डॉन के माइंड में क्या चल रहा है? तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों डॉन सोच रहा था कि एक चाबी कैसे चुराऊं। तो दोस्तों कोई भी गुनहगार हो, उसके सामने चाबी पड़ी है, वो तो लेने की सोचेगा ही ना। तो दोस्तों वो भी सोच रहा है कि वो कैसे ले ले। तो दोस्तों उसका हाथ पहुंच नहीं रहा था। दोस्तों क्या बता सकते हैं वो कैसे चाबी लेगा? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके सामने एक मैग्नेट पड़ा है। वो मैग्नेट लेता है और चाबी पास लाता है और हाथ में ले लेता है, और मैग्नेट वहीं फेंक कर वो दरवाजा खोलने जाता है, और दरवाजा खुलते ही वो वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर चौपट के सॉल्व करके पुलिस स्टेशन में वापस आते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि काला बाजारी के साथ पूछताछ करनी बाकी है, इसलिए वो जेल के पास आ जाते हैं। अरे यहाँ से कोई भागा है। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं इंस्पेक्टर चप्पल को कैसे पता चला कि यहाँ से कोई भागा है? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड। इंस्पेक्टर चप्पल देखते हैं कि जेल खुला है और चाबी भी नीचे पड़ी है, और उन्होंने तो 4 आदमी पकड़े थे, पर अंदर 3 आदमी सो रहे हैं। उसे उसे पता चलता है कि कोई तो भागा है,
पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन भागा है, इसलिए वो पेड़े को बुलाते हैं। पेड़े, ओ पेड़े। अरे ये काला बाजारी करने वाले तो मुझे सजा रही है, चले भी नहीं दी थी, रुको आ रहा हूँ, क्या हुआ? और पेड़े वहाँ आ जाते हैं। अरे सब आप, आज मैं काला बाजारी करने वाला लगता है तुम्हें, और तुमने मास्क क्यों नहीं पहना? जल्दी जाओ मास्क पहन के आओ। जी साहब। अरे मास्क क्यों पहना है लेकिन रात को साहब, कोरोना तो रात के समय सो रहा था ना। इसने बोला जल्दी जाओ, पुलिस को कैसे लापरवाही करते हो, जाओ और मास्क पहन के आओ। बेटे मास्क पहनने जाता है। देखो साहब पहन क्या है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? पर चाबी तो तुम्हारी पास थी ना, तो जेल के अंदर क्या कर रही है? इंस्पेक्टर चप्पड़ को पेड़े सब कुछ बता देता है। क्या तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? जल्दी जाओ जेल बंद करके आओ। जी साहब अभी करता हूँ। इंस्पेक्टर चप्पड़ डॉन को ढूंढने जा रही होती है तभी वो रुक जाते हैं। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं इंस्पेक्टर चप्पड़ क्यों रुक गए? तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जंगल के रास्ते में एक कैप पड़ा है और वो कैप डॉन का है, मतलब वो इसी रास्ते से भागा है, इसलिए वो रुक जाते हैं और वो आगे जाकर गाड़ी पार्क कर देते हैं। चलो पेड़े चलते हैं। जी साहब चलो। इंस्पेक्टर चप्पड़ जंगल रास्ते से चले जाते हैं और पेड़े भी उसके साथ चले जाते हैं और कैप भी ले लेता है। आगे उन्हें 3 रास्ते मिलते हैं। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं डॉन कौन से रास्ते से भागा है? तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले रास्ते पर किसी जानवर के पैर के निशान है, दूसरे वाले रास्ते पर तो किसी इंसान के हैं, पर डॉन के पास तो जूते थे इसलिए वो तीसरे रास्ते से भागा है। उस रास्ते से जाने के बाद उन्हें 3 घर मिलते हैं। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं डॉन किस घर में छुपा है? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरे वाले घर में उसी सेम जूते के निशान है, मतलब वो इसी घर में छुपा है। इंस्पेक्टर चप्पड़ दूसरे घर के पास पहुंच जाते हैं, दरवाजे पर कूदते हैं। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं इसका आंसर? जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है। इसका जवाब है 14। साहब लेकिन 14 कैसे आता है? देखो समझाता हूँ, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, मतलब 3 3 9 -9 होगा 0, कॉमा की जगह हमें माइनस डालना है। तो 9 का स्क्वायर है 81, मतलब 9 9 81, -1 है 80। ऐसे ही 5 का स्क्वायर है 25, मतलब 5 5 25, -5 है 20, और 4 का स्क्वायर है 16, मतलब 4 4 16, -2 हो जाएगा 14, ऐसे इसका आंसर 14 आता है। चलो अंदर चलते हैं। दरवाजा खुलने के बाद इंस्पेक्टर चप्पड़ अंदर चले जाते हैं और पेड़े भी उसके साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत अंधेरा होता है इसलिए डॉन दोनों को चकमा देकर भाग जाता है। इंस्पेक्टर चप्पड़ और पेड़े भी उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं। डॉन तेजी से भागने लगता है तभी वहां पर कुत्ते आ जाते हैं और उसे भूखने लगते हैं। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं अब डॉन क्या करेगा? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर।
तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे उसके साइड में एक लकड़ी पड़ी है और लकड़ी हाथ में ले लेता है और लकड़ी को देखकर कुत्ते भाग जाते हैं और डॉन लकड़ी को दूर फेंकता है। तभी वो आगे जाता है, तभी गोलू उससे टकरा जाता है और वो गिर जाता है। बोले चाचा सॉरी यहाँ मेरी वजह से आप गिर गए। अरे चाचा किसको बोला रहे, इतना बदतमीज बच्चे है तुम। अल्ली आपको कहीं दिखा है मैंने? हाँ आप तो काला बजोली करने वाले हो कि डॉन हो ना, आप इधर कैसे आ गए? ए बेटे बकवास मत करो, मुझे जाने दो, पुलिस मेरे पीछे आ रही है। तभी गोलू उसके सामने आ जाता है। अल्ली चाचा इतनी भी क्या जल्दी है, अगर आप भागने की कोशिश की ना आपने तो मैं आप पे बैठ जाऊंगा, पुलिस को तो आने दो ना। तभी इंस्पेक्टर चप्पड़ आ जाते हैं। इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें, वाह गोलू वाह, तुमने तो बहुत अच्छा किया इसको पकड़ कर। बोलो बेटे तुम्हें क्या चाहिए इनाम के तौर पर? छोड़, मुझे क्या चाहिए वो आपको पता ही होगा ना। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं गोलू को क्या चाहिए इनाम के तौर पर? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। चल मुझे चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मुझे चॉकलेट ही दे देना। सर मुझे भी चॉकलेट दे देना क्योंकि मैं सुबह से आपके पीछे दौड़ रहा हूँ, बहुत भूख लगी। क्या बकवास कर रहे हो, तेरी वजह से मैं दौड़ रहा हूँ, ना तुम इसे चाबी देते ना वो भागता। और राजू को भी लेके आना ठीक है गोलू? ठीक है चल, पूरा बख्शी दे देना। ठीक है मैं जाता हूँ, चलो बाय, तुम भी स्कूल जाओ। भेड़े ओ भेड़े। जी साहब आ गया हूँ मैं। चलो इन सबको उल्टा लटकाओ। जी साहब तभी लटका था। देखो साहब लटका लिया, लेकिन एक आदमी तो रह गया साहब। कौन है वो? 5 आदमी थे, मैंने तो 4 आदमी को पकड़े थे। साहब आप भी हो ना, आपको तकलीफ होगी साहब, उल्टे लटके और अब सीधे, अच्छा नहीं लगेगा ना साहब, लोग क्या कहेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम, चुपचाप बैठो उधर, नहीं नहीं खड़े रहो। तुम बताओ तुमने अपने डुप्लीकेट कैसे बनाए? साहब मैं एक साइंटिस्ट को जानता हूँ, उसका नाम है साइंटिस्ट पीयूष, मैंने उससे मशीन पैसों से खरीदी और मैंने सिर्फ 3 डुप्लीकेट बनाए क्योंकि 3 ही बना सकता था मैं, इसलिए। झूठ बोलते हो, और वो साइंटिस्ट फ्यूज और मशीन कहाँ है? साहब मुझे पता नहीं क्योंकि वो खुद मशीन लेके मेरे घर आया था, और साहब मैं उसका लोकेशन नहीं जानता हूँ। और वो मशीन मैंने जब 3 डुप्लीकेट बनाए वो ब्लास्ट हो गई साहब मशीन, पर अगर मैं बहुत सारे बना सकता था तो मैं बना लेता था ना साहब। हाँ वो भी है, अगर तुम्हारे पास होती तो तुम डुप्लीकेट बना लेते थे। और तुम कालाबाजारी कैसे करते थे? साहब जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि कालाबाजारियों का मतलब वैक्सीन और मेडिसिन ब्लैक में बेचते हैं, उसे ही कालाबाजारी बोलते हैं। इसमें पूछने की क्या बात है साहब? चुप चुपचाप बैठो उधर, नहीं नहीं खड़े रहो। तो बताओ कालाबाजारी कैसे करते थे तुम लोग? साहब एक दिन मैं जब घर जा रहा था तो भी डॉन एक मुझे रास्ते में मिला और उसने पूछा कि कालाबाजारी करोगे? मैंने बहुत बार इनकार किया फिर भी वो पूछता रहा, पर बाद में उसने बोला कि बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो मैं माना साहब, और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी साहब, और बाद में उसने बोला कि एक फार्मेसी वाला चाहिए और एक ट्रक ड्राइवर, तो मैंने उन दोनों को भी शामिल किया साहब। बेटे इन सबको सीधा कर दो। जी साहब अभी डंडे मार मार कर सीधा कर देता हूँ, मेरा नाम है हवलदार पेड़े, डंडे मार मार कर दूंगा सीधे। अरे वैसे नहीं, इनको उल्टा बांधा है ना, अब सीधा खड़ा कर दो। जी साहब अभी कर दो। दोस्तों मैंने ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, उनमें से आपको चूज करना है कि ए वाला कौन है, बी वाला कौन है, सी वाला कौन है और डी वाला कौन है। जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है।
तो दोस्तों ए वाला तो डॉक्टर है, बी वाला डॉन है, सी वाला फार्मेसी वाला है और डी वाला ट्रक ड्राइवर। इंस्पेक्टर चप्पड़ चारों को दूर दूर रख दिए। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं इंस्पेक्टर चप्पड़ ने चारों गुनहगारों को दूर दूर क्यों रखा? तो दोस्तों आपके पास सोचने के लिए 5 सेकंड है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। इंस्पेक्टर चप्पड़ चारों गुनहगार को दूर दूर इसलिए रखते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें पालन करना चाहिए। तो दोस्तों आप भी मास्क पहने और 2 मीटर की दूरी बनाए रखिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो यही खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। स्टे होम स्टे सेफ।